कैसे हो आप सब लोग तो ना आज का जो वीडियो है आज के वीडियो में मैंने एवरी डे के लिए हम लोग कैसे मेकअप कर सकते हैं बस उसी वही वीडियो मैंने शूट किया है आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे ये तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं तो ये देखिए सबसे पहले देखो मेकअप करो या ना करो लेकिन अपना स्किन केयर करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और कर भी लिया करो सर्दी हो गर्मी हो कोई भी सीजन हो स्किन केयर ज़रूर कर लिया करो ठीक है तो मैंने यहाँ पे लगाया अपना टोनर टोनर के बाद लगाऊंगी मैं लिप बाम क्योंकि लिप बाम तो फिर भी लगा लेनी चाहिए क्योंकि लिपस्टिक लगाओ या ना लगाओ ये भी कर लिया करो ठीक है और ये ना मेरा निहिया वाला क्रीम है मॉइस्चराइज़र है और जो लिमिटेड एडिशन था ना ये वही है तो बस इसका ना स्टिकर वगैरह सब कुछ हट चुका है तानी माना ने हटा दिया तो बस क्रीम है अंदर तो मॉइस्चराइज़र है उसी को यूज़ करूंगी आज मैं तो ये अपने फेस को अच्छे तरीके से मैं लगा लूँगी फेस पे ताकि मेरा फेस मॉइस्चराइज हो जाए और उसके बाद नेक एरिया पे भी लगा लूँगी क्योंकि ना लगा लेना बहुत ज़रूरी होता है एक मसाज कर लेनी चाहिए लगाने के बाद और ये देखो एवरीडे लुक है तो इसमें मैं कोई प्राइमर तो यूज़ करूँगी नहीं तो ये तो मेरा ना वो है क्या है एलोवेरा जेल है आप लोगों को मैंने बताया था मैंने कि इसी वाले बॉटल में मैंने एलोवेरा भर के रख लिया था तो पंप है तो ईजी हो जाता है ना यूज़ करना थोड़ा सा तो बस वही एलोवेरा जेल है लगाने से क्या ना देखो एक तो स्किन ना हेल्दी रहती है एलोवेरा से कोई साइड इफेक्ट्स हैं नहीं स्किन पे तो ये एलोवेरा जेल है इसको मैं लगा लूँगी एज अ प्राइमर की जगह मेरा काम भी करेगा मेरी स्किन को हेल्दी भी रखेगा है ना और उसके बाद देखो डेली एवरी डे के लिए हम कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं तो ये मेरी बीबी -बी क्रीम है एस्क्यू की तो इसको मैं डॉट डॉट करके ना पूरे फेस पे लगा लूँगी ठीक है तो ये देखो डॉट डॉट किया मैंने पूरे फेस पे मैंने लगा लिया और ये देखो लगाने के बाद ना मुझे लगा शायद ना ये ब्लेंड नहीं हो पा रहा ठीक से तो फिर मुझे ना मैंने आगे फिर ब्यूटी ब्लेंडर लिया देखो आप लोग मुझे लगा कि ये नहीं काम कर रही मेरी फिंगर्स नहीं हो पा रहा अच्छे से तो उसके बाद फिर मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर लिया और उसके साथ जब मैंने इसको ब्लेंड करना शुरू किया ना तो बहुत ही अच्छे से स्मूथली मतलब बिल्कुल ऐसा जैसे ऑन करना शुरू कर दिया इसने तो आप लोग भी ना ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर लिया करो क्योंकि ना अगर ब्यूटी ब्लेंडर से करोगे एक तो कवरेज बहुत अच्छी मिल जाती है और मतलब बहुत अच्छे से मतलब फाउंडेशन लग जाती है जहाँ जहाँ में चाहिए होती है ठीक है तो उसके बाद ना ये देखो डार्क सर्कल्स जहाँ जहाँ है ना स्पॉट्स जहाँ पे उसको तो कवर कर लेना चाहिए ना क्योंकि एवरीडे है तो क्या हो गया एवरीडे लुक है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब डार्क स्पॉट्स तो नज़र आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना तो ये देखो बस मैंने अपना ले लिया कंसीलर और लगा के उसके बाद उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी ये देखो बहुत अच्छे तरीके से जैसे आप ना देखना जैसे आप ना अंडर आई के नीचे अपने एरियाज़ को हाईलाइट करते हो ना तो एकदम ना लुक्स बदल जाती है आइज़ की बहुत अच्छे से मतलब हाईलाइट हो जाती है जब आइज तो अच्छी लगने लगती है ठीक है तो ये मैंने कर लिया और उसके बाद ना इस स्टेप के बाद हमने एज़ यूजल अपना जो है लगाया सब कुछ उसको सेट करना होता है और जहाँ जहाँ पे कंसीलर लगाया है ना वहाँ तो खास तौर पे सेट जरूर कर लिया करो कॉम्पैक्ट के साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अदरवाइज़ आपका कंसीलर फाउंडेशन सारा कुछ आपका क्रीज कर जाएगा पैचिज आ जाएंगे उसके बाद अपना जो थोड़ा बहुत कॉम्पैक्ट मैं अपने फेस पर भी लगा लूँगी ठीक है ये देखो नेक एरिया पर भी लगा रही हूँ उसके बाद ना मैं अपने आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ ये एक तो ना मेरी आईब्रो काफ़ी ज़्यादा लाइट है बहुत ज़्यादा लाइट है तो सबसे पहले मैं आउटलाइन कर लूँगी ब्लैक की एक मेरी काजल पेंसिल हो उसी के साथ मैं कर रही हूँ तो वैसे आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है बट मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कर लेती हूँ और उसके बाद मेरे ये है ब्रॉडीफाइनर इसके साथ मैं अपना सेट कर लूँगी अपनी पूरी आईब्रो को ये देखो ठीक है तो आईब्रो जैसी सेट होती है ना फेस का ना एकदम मतलब लुक्स ना एकदम बदल जाती है जब तक आईब्रो सेट नहीं होती ना फेस आधा अधूरा सा लगता है मेरा तो ज़्यादातर लगता है क्योंकि काफ़ी पतली है ना मेरी थ्रेडिंग इसलिए तो ये देखो ये हो गया इसको मैं सेट कर रही हूँ देखो यहाँ पे हो गया मेरी आईब्रो बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है और उसके बाद ये मेरी ए टी एस की किट है इसमें से मैंने देखो आपने एकदम लाइट सा कलर लिया है और इस कलर को लेके मैं अपना ट्रांजिशन कलर लगा रही हूँ क्रीज़ के ऊपर लगा रही हूँ और ना देखो आई शेडो कैसे लगानी है आपने अगर आप हो ना तो उसका कंप्लीट एक वीडियो है मेरे चैनल पे आप लोग देखना आपको अच्छा लगेगा काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए ठीक है उसके बाद देखो एक डार्क ब्राउन कलर लिया है और उस कलर को भी ना मैं ट्रांजिशन कलर के ऊपर ही लगा रही हूँ मतलब क्रीज़ के ऊपर ही लगा रही हूँ उससे भी क्रीज़ मैं बिल्ट नहीं कर रही तो बिल्कुल वो कलर ना थोड़ा सा ज़्यादा लाइट था तो इसलिए एक स्टेप डार्क कलर लिया एक शेड डार्क है तो वो भी इसको ट्रांजिशन यूज़ किया है कलर तो अब मैंने थोड़ा सा थोड़ा सा डार्क कलर लिया है और इसके साथ मैं अपनी क्रीज पे लगाऊंगी इस कलर को बिल्ड करूंगी ये देखो क्योंकि एवरीडे मेकअप लुक है ना तो बहुत ज़्यादा हैवी हैवी और मतलब डार्क नीला पीला लाइक ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना तो अजीब लगेगा तो इससे बहुत ही सेटल साम लुक होगा जो कि मतलब पूरा दिन अगर कर, कर भी लो ना तो अजीब नहीं लगेगा ठीक है उसके बाद देखो ये वाला ना पिंक कलर लिया और फिंगर पे ले लिया कलर और फिंगर के साथ ही ना मैं इसको नीचे अपनी लिड पे लगा रही क्योंकि ये कलर मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने लिड के ऊपर चाहिए बाकी कहीं भी नहीं चाहिए तो इसको फिंगर की हेल्प से मैं लगा लूँगी इसको लगाने के लिए कोई ब्रशेस ना यूज़ नहीं किए क्योंकि ना देखो ज़रूरी नहीं होता कि जब भी आप मतलब आई मेकअप करो तो अपने ब्रशेज़ की हेल्प से ही करो ब्रश के बिना आप कुछ नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं है जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है ब्रश ले लो जहाँ लगता है हाथ से काम हो सकता है फिंगर से वहाँ फिंगर से कर लो ठीक है ना उसके बाद ये मेरा ब्लू आई लाइनर है क्योंकि ये देखो विंटर्स है ना तो कई बार ना ये थोड़ा सा जम भी जाता है तो इसलिए इसको हिला लिया करो बॉटल को थोड़ा सा यूज़ करने से पहले तो ना आपने देखा मेरा जो जैकेट है मैंने जो पहना हुआ है ये पिंक कलर का है तो इसलिए मैंने पिंक कलर थोड़ा आइस पे भी यूज़ किया और पिंक कलर के साथ ना ब्लू कलर काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है तो इसलिए मैंने जो आई है वो ब्लू कलर का लगाया ये देखो कितना प्यारा लग रहा है पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन है ना उसके बाद मैं काजल लगा लूँगी कोई स्मजिंग मतलब एक स्मजिंग जैसे लुक देनी है आइज़ में वैसा हमने कुछ भी नहीं करना है तो सुबह करना है और ऐसा करना है जो शाम तक टिका रहा है मेकअप है ना तो इससे ज़्यादा कुछ पंगा वंगा नहीं लेना तो जितना ज़रूरत है अच्छा भी लगे फेस पे सिर्फ उतना ही करना है ठीक है तो ये देखो यहाँ मैं लगा रही हूँ काजल थोड़े से कॉर्नर्स मैं सेट कर रही हूँ अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे कॉर्नर्स और यहाँ पे लग चुका मेरा काजल उसके बाद करना है कॉन्टोरिंग कॉन्टोरिंग तो देखो कर ही लिया करो मतलब कंप्लीट मेकअप कर रहे हो पार्टी में जाने के लिए शादी में जाने के लिए मेकअप कर रहे हो तब तो कॉन्टोरिंग करनी होती है एवरीडे में भी कर लोगे ना तो फेस अच्छा लगता है यू you नो know, मुझे ऐसा लगता है कि आ, फेस ना थोड़ा एक्टिव लगने लगता है कॉन्टोरिंग करने से ठीक है तो फेस की और मतलब नेक एरिया की जॉ लाइन की सारी मैंने कर ली कॉन्टोरिंग और अब कर रही हूँ अपना नोज़ तो नोज़ पे मैंने अपना प्रोडक्ट लगा लिया और उसके बाद ना फिंगर के साथ ही मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी ये देखो कैसे कर रही हूँ ठीक है फिंगर के साथ ही मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एक्सेस प्रोडक्ट निकल जाए ये देखो कैसे कर रही हूँ ठीक है और उसके बाद जितना भी ना मेरा थोड़ा सा एक्सेस था वो फिंगर के साथ मैं हटा लूँगी देखो यहाँ पे लग गया था तो मैंने हटा लिया और ना ब्लश नहीं लगाएंगी क्योंकि इस टाइम पे क्या ब्लश लगाना कहीं जा रहे हो तो हल्का फुल्का लगा लो तो अच्छा लगता है तो इस घर में कौन यार ब्रश ब्श लगा के घूमता है तो ब्लश मैंने नहीं लगाया और यहाँ पर अपना ना मैंने वो लगा लिया ये देखो क्या बोलते हैं इसको मस्कारा हिलेरी डोडा का मस्कारा ये लगा लिया तो ब्लश तो मैंने नहीं लगाया मैं न अपना फेस को हाईलाइट जरूर करूँगी क्योंकि आजकल कर विंटर्स भी है ना थोड़ा सा फेस शाइन करे तो बहुत अच्छा लगता है देखने में ये देखो ये बहुत अच्छा वाला हाईलाइटर है गाइस बहुत अच्छा है मतलब अफोर्डेबल में अगर आप कोई हाईलाइटर ढूंढ रहे हो जो आपका टू इन वन काम करे मल्टीपर्पज़ हो तो आप इसको ले सकते हो ये आपका एज अ प्राइमर भी वर्क करेगा और ये हाईलाइटर भी है और बाकी मैं इसका कम्प्लीट रिव्यू अपने चैनल पर डाल दूँगी आप लोग देख लेना बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ठीक है तो हाइलाइटर मैंने लगा ली और अब लगाऊंगी लिपस्टिक बस यही है एवरीडे का लुक तो लिप लाइन कर ली पहले और अब मैक का ये लिक्विड लिपस्टिक है अच्छा सा शेड है क्योंकि देखो मेरा जैकेट भी पिंक है आइज़ भी पिंक है तो इससे मेरे को लिपस्टिक पिंक लगानी थी और लिक्विड लिपस्टिक है तो पूरा दिन तो स्टे करेगी करेगी तो बस यहाँ पर हो गया मेरा मेकअप लुक कम्प्लीट और पहनूंगी पिंक कलर के टॉप्स मैच करके देखो बहुत प्यारे से टॉप्स हैं ना और देखो बाल तो ना देखो अगर हम एवरी डे मेकअप भी कर रहे हैं तो बाल तो पूरे दिन खोल के नहीं रख सकते तो आगे जाके ना मैंने अपने बालों को बांध लिया तो बताना आप लोग कैसा लगा आपको भी मेकअप लुक के